श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। एसपी विकास शर्मा के निर्देश पर डीएसटी की बड़ी कार्रवाई, छह बदमाशों को छह अवैध पिस्टल सहित दबोचा है। पुरानी आबादी मटीली सदर थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई हुई। पकड़े गए बदमाशों से हथियार तस्करी की बात सामने आ रही है। डीएसटी प्रभारी रामविलास बिश्नोई की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुरानी आबादी और इसके आसपास के जो इलाके थे वहां पर तस्करी की बात सामने आ रही है। डीएसटी प्रभारी रामविलास बिश्नोई की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पकड़े गए बदमाशों से अब पुलिस पूछताछ कर रही है और यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई नाम भी सामने आ सकते हैं। एसपी विकास शर्मा के निर्देश पर डीएसटी की ये बड़ी कार्रवाई, छह बदमाशों को छह अवैध पिस्टल सहित दबोचा गया है। पुरानी आबादी मटीली सदर थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई और छह बदमाश पकड़े गए हैं। पकड़े गए बदमाशों से हथियार बरामद हुए हैं, छह अवैध पिस्टल सहित इन्हें दबोचा गया है। अब इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। श्रीगंगानगर से सहयोगी सुनील सिहा का हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सुनील, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जिन बदमाशों को धरा गया है और अवैध हथियार भी इनसे बरामद हुए हैं। जाहिर सी बात है पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता ये वाकई में बहुत बड़ी कार्रवाई है। बिल्कुल पूनम, देखिए इस तरीके की कार्रवाई देखा जाए तो पहली कार्रवाई पुलिस की है, बड़ी सफलता इनको हाथ में लगी है। एसपी विकास शर्मा से जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो हथियार तस्करी है वो बॉर्डर क्षेत्र से लगातार हथियार तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं और हेरोइन तस्करी के सामने पूनम मामले हैं जो यहाँ पे बड़े हैं। इसी को लेकर एक स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है जो इतना गुप्त रखा जा रहा है कि किसी को कानो कान तक खबर नहीं हो रही। इसी अभियान के तहत ये जो छह बदमाश है जो पकड़े गए हैं, इन सबसे छह पिस्टल भी बरामद हुए हैं और कारतूस भी बड़ी संख्या में इनसे खाली कारतूस है जो वो भी जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। तो बड़ी कार्रवाई है। डीएसटी रामविलास प्रभारी जो रामविलास है वो प्रभारी डीएसटी प्रभारी वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं लगातार। इनसे जो अब तक जो सामने आए हमारे सूत्र जो बताते हैं कि हथियारों की तस्करी जो यहाँ पे गंगानगर में होने वाली थी उसको जोड़कर देखा जा रहा है। तो हथियारों की तस्करी जिस तरीके से गंगानगर में बढ़ी है या हेरोइन तस्करी के जो मामले गंगानगर में बढ़े हैं पूनम चिंता का विषय है, पर जो पुलिस है जो अपना काम कर रही है बॉर्डर पे भी लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है और अवैध शराब से भरे ट्रक पकड़े जा रहे हैं और लगातार जिस तरीके से पुलिस है जो एसपी विकास शर्मा ने कहा कि सक्रिय रूप से काम कर रही है गंगानगर में, वो वाकई में पूनम जो अभी सामने दिख रहा है और बड़ी कामयाबी एक तरीके से कहा जा सकता है पुलिस को हासिल हुई है। ठीक है, आपने कहा कि ये टेंशन बढ़ाने वाली बात भी है क्योंकि लगातार बदमाश धरे जा रहे हैं, लेकिन पूछताछ होती है, सुराग भी हाथ लगते हैं, फिर इस तरीके का कोई मामला सामने आ जाता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही, इससे लेकर भी कोई ठोस एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल पूनम, क्योंकि जिस तरीके से अभी पुलिस जो काम कर रही है अब जब से डीएसटी में शामिल हुए हैं रामविलास बिश्नोई, उन्होंने जो कार्यभार संभाला है और एसपी के जो सख्त निर्देश है उसके बाद में कहने की पुलिस है जो इतनी ज्यादा एक्टिव हुई है। सुनील, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि एसपी विकास शर्मा खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। विकास जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में और वाकई में एक सराहनीय कदम है, बड़ी कार्रवाई की गई है, छह बदमाशों को तो पकड़ा गया, अवैध पिस्टल्स भी उनसे बरामद हुई है, लेकिन ये सुराग कैसे आपको लगा, यहां तक आप कैसे पहुंचे, जरा जानकारी दीजिएगा पूरी। हमारे डीएसटी इंचार्ज रामविलास, उनकी सूचना पे कार्रवाई की गई है और एक कार्रवाई सदर थाने की सूचना पे की गई है। टोटल छह वेपन्स बरामद किए गए हैं और बदमाशों को पकड़ा गया आर्म्स के साथ और एम्युनिशन के साथ। जी, पूछताछ की बात सामने आई है, कुछ सामने आ पाया, क्योंकि और भी कई खुलासे हो सकते हैं, अंदाजा लगाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आगे इस चीज में लिंक डेवलप करके कि वेपन्स की चेन को पूरा करेंगे और इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म इसके ऊपर। हाँ विकास जी, ये वाकई में बड़ी कार्रवाई है, लेकिन इस तरीके के मामले आकर बढ़ते क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इनका भी एक ठोस एक्शन तो होना चाहिए ताकि इन पर लगाम लगा सके। यस बिल्कुल, लगातार इन पे हम एक्शन करते रहेंगे, पुलिस एक्टिव रहती है इसको कि ये इस तरह के डेवलप नहीं हो पाए और बहुत सारी कार्रवाइयाँ इस वजह से बहुत सारी घटनाएं रुकती रही कि पुलिस का प्रोटेक्शन रहता है, तो उसी का एक नमूना है। और ये अवैध पिस्टल जो है वो कहाँ से इन्होंने ली, कुछ पता चल पाया? ये मैं अभी आपको डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, हमारे पास इन्फॉर्मेशन हम बिल्डअप करेंगे।
चलिए ठीक है विकास जी, बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए, फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए, क्योंकि एसपी विकास शर्मा के निर्देश पर ही टीएसटी की बड़ी कार्रवाई थी। 6 बदमाशों को धरा गया है, 6 अवैध पिस्टल उनसे बरामद हुई है। पूछताछ होगी, कई खुलासे हो सकते हैं, उसी आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। सहयोगी सुनील भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी जानकारी दी, क्योंकि ये टेंशन वाली बात तो है, क्योंकि लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। अब इनसे पूछताछ होगी कि आखिर इनका इरादा क्या था, आखिर ये क्या चाहते थे, क्योंकि ये बदमाश है। सिर्फ इतना ही नहीं कि इनके पास से अवैध पिस्टल बरामद हुई है, इनके कई, अगर हिस्ट्री खंगाली जाए तो कई मामले इन पर पहले से ही दर्ज थे। कारतूस भी उस पिस्टल्स में थी, अवैध ये पिस्टल्स है, आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से अवैध निर्मित है। अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं किया गया कि आखिर इन्होंने ये कहां से ली है, कहां से बरामद हुई है, लेकिन ये फिलहाल श्रीगंगानगर के पुरानी आबादी मटीली सदर थाना क्षेत्र में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। डीएसटी की बड़ी कार्रवाई, एसपी विकास शर्मा के निर्देशन पर ही इस पर एक्शन लिया गया है। और उन बदमाशों की तस्वीरें जरा देख लीजिए जिनके इरादे नेक नहीं थे। अब देखना होगा कि पूछताछ में इनसे क्या कुछ साफ हो पाता है, आगे जांच को किस तरीके से बढ़ाया जाएगा।